अब दूसरे मामले पे आती हूं। उत्तर प्रदेश की यह घटना, कमलेश तिवारी हत्याकांड। इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं 2015 में कमलेश तिवारी जो हिंदू समाज पार्टी के नेता थे, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, ऐसा पुलिस का भी कहना है। और क्योंकि वे अपने आप को हिंदुओं का नेता बताते थे, इसलिए एक मौलाना बिजनौर के उन्होंने फतवा जारी कर दिया। उसके बाद और भी जो ऐसे ही कई फतवे जो हैं वो जारी हो गए इनके विरुद्ध। मौलाना ने ये कहा कि जो इनकी लाश को मेरे पास लाएगा उसको 50 या 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैर, ये बात पुरानी हो गई। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मानना है कि इसी विवादित बयान के कारण राशिद पठान नामक कोई व्यक्ति, जो शायद दुबई में बैठा हुआ है, उसने ये हत्या कराई। उसने गुजरात में सुपारी देकर कुछ लोगों से ये हत्या करवाई। अब सुनिए मजेदार चीज इसमें। इसमें गुजरात की एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस कहां की? गुजरात पुलिस, गुजरात एटीएस ने इन 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इधर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कह रही है कि जो परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें नाम दिया गया है बिजनौर के इस मौलाना का और एक और किसी व्यक्ति का, इनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा रही है। परंतु मैं जो बात करना चाह रही हूं वो ये है, चुनाव आने वाले हैं ना, और माताजी क्या कह रही है कमलेश तिवारी की, क्या दिलेर महिला है, क्या जिगर है उस महिला का, उस माँ का। कमलेश तिवारी की माँ कुसुम तिवारी हर टेलीविजन चैनल पर दिख रही है ये कहते हुए कि हिंदू मुस्लिम मत बनाओ इसे। वे जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके उत्तर प्रदेश के, उनका धन्यवाद कर रही है कि ये बयान उनके काल में, उनके शासन काल में आया और उन्होंने 17 सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए थे कमलेश तिवारी की सुरक्षा के लिए, जो हटा दिए गए योगी सरकार द्वारा। और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनके साथ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। माता जी का क्या कहना है कमलेश तिवारी की? उनका साफ साफ कहना है कि कोई शिव कुमार गुप्ता है जिनको वो बार बार उनका नाम ले रही हैं और कह रही है कि इसी व्यक्ति की वजह से, इसी व्यक्ति ने मेरे बेटे की हत्या करी है, करवाई है, ये जांच का विषय है। परंतु जब माँ ये बात कह रही है, माँ से करीब तो कोई नहीं हो सकता ना उस बेटे के, जब माँ ये बात कह रही है तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि पुलिस इस शिव कुमार गुप्ता को हिरासत में तुरंत ले और जांच करे, पूछताछ करे? क्यों नहीं कर रही पुलिस? सीधे सीधे मां का कहना है कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी अखिलेश की सरकार के समय पे मेरे बेटे का बाल भी बाका नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं लगा सका मेरे बेटे को, उसे सुरक्षा कर्मी दिए गए थे। और योगी सरकार के ऊपर वे आक्षेप लगा रही हैं ये कहकर, ये एक माँ है जिसने अपना बेटा खोया है, वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम मत करो, योगी सरकार जो है वो दोषी है क्योंकि शिव कुमार गुप्ता जो है उसने करवाया है ये सारा कुछ। तो जब माँ का ये कहना है तो आप जरा सोचिए कि आप और मैं कौन है? हम कोई नहीं है इस पूरे मामले में, हम यहां बैठे हुए हैं म्यूट स्पेक्टेटर्स, मतलब गूंगे देखने वाले लोग, हम देख रहे हैं ये सब कुछ। समझने की भी कोशिश करिए, जब माँ कह रही है कि हिंदू सरकार जो सरकार अपने आप को हिंदुओं की हिमायती बता रही है वो मेरे बेटे को नहीं बचा सकी, अखिलेश सरकार के समय मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सका, जिस वक्त मेरे बेटे के उस विवादित बयान के बारे में बात किया जा रहा है,
सोचने की बात है ना। तो आपको और मुझे सोचने की आवश्यकता है और मैं उस माँ की बहादुरी को सलाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस माँ को हिम्मत दे ताकि वो इस दुख को सह सके। मगर मैं समझ सकती हूँ कि अगर उस माँ के इतना कुछ कहने के बाद भी पुलिस इस शिव कुमार गुप्ता को हिरासत में नहीं ले रही, पूछताछ नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये जो धर्म के नाम पे किया गया है ये केवल चुनावों के लिए किया गया है। आप भी आंखें खोलिए, इस तरह से देश को मत बटने दीजिए, क्योंकि आप और मैं इंसान है, मनुष्य है, हम अलग अलग लोग नहीं है, हम अलग जाति नहीं, हम अलग रेस नहीं, हम सब मनुष्य हैं, हम एक जाति हैं, हम सब मनुष्य हैं। हमारी खाल उखेड़ दीजिएगा तो जो हड्डियों का ढांचा मिलेगा, जो हमारी धमनियां दिखेंगी, वो उसमें जो लहू बह रहा होगा वो सबका एक समान होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये चमड़ी ही तो है जो हमें अलग दिखाती है, हम एक दूसरे को अलग बना देते हैं। हटा दीजिए इसको, सोच के देखिए इसके अंदर जो है उसमें आप में और मुझ में या किसी और में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। देश को टूटने मत दीजिए, धर्म के नाम पर लोगों को बटने मत दीजिए, आप भी मत बटिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये मत भूलिए कि हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं हम उनका भी अपमान कर रहे हैं, और जो जिन लोगों के साथ ये अन्याय हुआ, जिन लोगों की हत्याएं हुई, हम उनके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हम उन्हें न्याय नहीं दिला पाएंगे यदि हम ऐसा होने देंगे। सोचिएगा इस विषय पर और सोचकर समझकर समझ बूझ के साथ अपनी बात को कहिएगा।